तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 5200 ट्रांजिस्टर का यूज़ करके डबल चैनल ऑडियो एम्पलीफायर बनाना। ये ऑडियो एम्पलीफायर गाइस बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप घर पे खुद से बना करके ज़रूर ट्राई करके देख लेना, और आप मेरा यकीन नहीं मानो तो आप भी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि यह ऑडियो एम्पलीफायर आप लोगों को कैसा लगा। इसमें मैं आप लोगों को इस वीडियो में डबल चैनल का बनाने बताऊंगा, मतलब कि लेफ्ट राइट दोनों काम करेगा। आपको दो दो स्पीकर लगाने पड़ेंगे लेफ्ट राइट 3D ऑडियो सुनने के लिए। आप इस ऑडियो एम्पलीफायर से 3D ऑडियो म्यूजिक सुन सकते हो। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों यूज़ करना पड़ेगा ऑक्स केबल का, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है दोनों कैपेसिटर से। तो गाइज, इस वीडियो में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे इस ऑडियो एम्पलीफायर को बनाना। मैं बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को शूट किया हुआ हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, और आप लोग सर्किट डायग्राम के अनुसार वायरिंग करके इस ऑडियो एम्पलीफायर को जरूर बना लेना अपने आप पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। सो गाइस, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट अब हमें लेना है एक हीट सिंक, और इस हीट सिंक में इन दोनों आईसी को लगा लेना है। तो अब हमें इस हीट सिंक को होल्ड कर लेना है स्टैंड पे, और स्टैंड पे होल्ड करने के बाद इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में अब हम कंपोनेंट्स को सोल्डर करेंगे। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का तीसरा पिन आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है। इन दोनों इमीटर को हमें कॉमन करना है, और ये इमीटर दोनों ट्रांजिस्टर का ग्राउंडेड होगा। तो इसमें हम बैटरी का नेगेटिव वायर कनेक्ट करेंगे। तो अब ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन को कनेक्ट करने के बाद हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर पिन को एक साथ, वो भी 1 kΩ के रजिस्टर से। तो 1 kΩ के रजिस्टर को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसके एक्स्ट्रा वायर्स को काट लेना है पहले हमें, और इनको एक्स्ट्रा वायर को काट लेने के बाद यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से इस पर शोल्डिंग कर लेना है। इसका बेस पिन और कलेक्टर पिन दोनों को एक साथ यहाँ पे 1 kΩ के रजिस्टर के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है गाइस। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर में 1 kΩ के रजिस्टर को सोल्डर करने के बाद अब हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव ये जो लाइन देख रहे हैं, ये कैपेसिटर का नेगेटिव है। इसमें हम ऑक्स का वायर कनेक्ट करेंगे, और कैपेसिटर का पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को हम लोग कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पिन पे। तो ट्रांजिस्टर का बेस पिन, ट्रांजिस्टर का पहला वाला पिन है, उस पर हमें कनेक्ट कर लेना है कैपेसिटर के पॉजिटिव वायर को। तो एक कैपेसिटर कनेक्ट कर लेने के बाद दूसरा कैपेसिटर कुछ इस दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस पिन में हमें कनेक्ट करना है। तो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है, और ये दोनों कैपेसिटर से ऑडियो इनपुट जाएगा इस ट्रांजिस्टर में। तो कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेने के बाद लगभग हमारा एम्पलीफायर कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम ऑक्स केबल के वायर को कनेक्ट करेंगे। हम इसमें डुअल चैनल का ऑडियो एम्पलीफायर बना रहे हैं जिसमें से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सुनाई देगा। तो इस पर क्या करना है, लेफ्ट का या तो फिर राइट का एक चैनल का ऑक्स केबल के वायर को एक कैपेसिटर के नेगेटिव में कनेक्ट करना है, जैसे कि इस ट्रांजिस्टर में इनपुट देना है, और दूसरा जो राइट बच जाएगा या तो फिर लेफ्ट बच जाएगा उसको कनेक्ट करना है दूसरे वाले कैपेसिटर के नेगेटिव में।
तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लेने के बाद हमारा बच जाता है ऑक्स केबल का ग्राउंड का वायर। तो इसे कनेक्ट कर लेना है ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन में। ये इमीटर का पिन हमारा ये है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेने के बाद हमारा ऑक्स केबल का वायरिंग हो चुका है। सो गाइस, अब हम इस ऑडियो एम्पलीफायर के सर्किट में स्पीकर के वायर को कनेक्ट करेंगे। स्पीकर में यहाँ पे दो यूज़ कर रहा हूँ, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। राइट के लिए मेरा है 8 इंच का और 4 ओम का स्पीकर है, और एक 4 ओम और 4 इंच का स्पीकर है लेफ्ट के लिए। तो चलिए इन दोनों स्पीकर के वायर को कनेक्ट कर लेते हैं इस सर्किट में। इस सर्किट में कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। स्पीकर के दोनों स्पीकर के पॉजिटिव वायर को हमें एक साथ पहले सोल्डर कर लेना है। एक साथ इसमें हम पावर सप्लाई के पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट इसमें रहेगा, सर्किट में ये कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं इन दोनों को एक साथ पहले कनेक्ट कर देता हूँ। और जो स्पीकर का नेगेटिव वायर रहा, ये लेफ्ट वाले को मैं लेफ्ट ट्रांजिस्टर में कनेक्ट करता हूँ। और ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन में कनेक्ट करना है हमें स्पीकर के वायर को, और दूसरा स्पीकर के वायर को हमें दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट करना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लेने के बाद हमारा यह सर्किट कंप्लीट हो जाता है वायरिंग। अब हम इसमें पावर सप्लाई देकर इस सर्किट को चेक करके देखेंगे। तो इसमें पावर सप्लाई कुछ इस तरह से देना है गाइस हमें, कि जो पावर सप्लाई मैं 9 वोल्ट का DC पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, आप 12 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, पावर सप्लाई के पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्पीकर के पॉजिटिव में, और पावर सप्लाई के नेगेटिव को कनेक्ट करना हमें ट्रांजिस्टर्स के इमीटर वाले पिन में। आप ट्रांजिस्टर 1 पे भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो फिर ट्रांजिस्टर 2 पे भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं स्पीकर पे आवाज़ आने लगी है। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं गाइस। तो अब हमें ऑक्स केबल को लगाना है अपने फ़ोन पे और म्यूजिक चला के दिखाना है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे आवाज आ रही है। इस तरह से आप 5200 ट्रांजिस्टर का यूज़ करके डबल चैनल ऑडियो एम्पलीफायर बना सकते हैं और 3D म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया काम करता है गाइस। आप अपने घर पर इस सर्किट को जरूर बना करके देख लेना, और कमेंट करके आप मुझे बताना कि इसका ऑडियो एम्पलीफायर कितना बढ़िया आप लोगों को लगा। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और ऐसा ही और भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।